Sorry. Okay, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन को तीन पॉइंट्स में समराइज किया था. टी मैंने बताया था टैक्स के लिए खड़ा होता है, एच हिस्ट्री के लिए और आर रीजन के लिए, और ये थ्री के पहले तीन ही शब्द हैं. और हाँ, पुराने नियम का टेक्स्ट कहीं भी ये सपोर्ट नहीं करता है कि अनंत काल से परमेश्वर का कोई इकलौता बेटा है और बाद में किसी को लेकर आना, ये एक परमेश्वर पर विश्वास को भ्रष्ट करता है. और फिर दूसरा मैंने बताया था कि हिस्ट्री इतिहास ये इशारा करता है कि यीशु खुदा का बेटा है या खुदा है, ये विश्वास बाद में विकसित या डेवलप हुआ है. पहले तो मेटाफोरिकली मसीहों ने यीशु तब होता है जब मसीहों ने यीशु को माना कि वह अडॉप्ट किया हुआ खुदा का बेटा है, और फिर मसीहों ने माना शुरू कर दिया कि वह अनंत काल से खुदा का इकलौता बेटा है. और ये विश्वास भी दो चरण में हमारे सामने है. पहले माना जाता है कि वह तब खुदा का बेटा बना जब वह मरियम के गर्भ में आया था, और फिर उसके बाद उसे अनंत काल से पिता के साथ प्रोजेक्ट किया जाने लगा. और ये माना जाता है कि खुदा पिता था और मरियम माता थी, और ये हमारे मनों में एक कन्फ्यूजन को पैदा करता है. और इसके साथ साथ ये खुदा के साथ एक स्त्री लिंग को भी जोड़ देता है. लेकिन खुदा इसे अस्वीकार करता है, इसलिए नहीं कि खुदा के नाम के साथ स्त्री लिंग को जोड़ जाता है, वरन इसलिए कि खुदा सिर्फ एक ही है और पवित्र वचन उसे ऐसे ही प्रस्तुत करते हैं, और हमें किसी और तरीके से उसे प्रस्तुत नहीं करना चाहिए. और मैंने इस सारे विकास को आपको दिखाया है, लेकिन डेविड हमें नहीं दिखा पाए हैं कोई ऐसा पत्र या दस्तावेज जो हमें सीधा यीशु की तरफ से मिला हो या फिर जिब्राइल फरिश्ते की तरफ से मिला हो जहां लिखा हो यीशु खुदा का बेटा है. वे ऐसे पत्रियों को हमारे सामने लेकर आ रहे हैं जो सालों बाद लिखी गई, जो कहती हैं यूहन्ना ने ऐसा कहा या जिब्राइल फरिश्ते ने ऐसा कहा. और यहां तक कि यूहन्ना रचित सुसमाचार भी यीशु के जाने के 20 साल बाद लिखा गया था, और हम नहीं जानते हैं कि ये किसने लिखा है, तो हम इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं कि यीशु ने क्या कहा और क्या नहीं कहा है. और फिर आखिर में यीशु का मुर्दों में से जी उठना एक बहुत ही विवादित पॉइंट है जिसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे. तो जब सुसमाचार लिखे जा रहे थे तो वो इस नजरिया से लिखे जा रहे थे कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, और वह अपने पढ़ने वालों को ये साबित करना चाहते हैं कि वाकई यीशु मुर्दों में से जी उठा है. तो इन दस्तावेजों को पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि ये सारी कहानी बहुत ही उलझी हुई है और असल में मनगढ़ंत है कि यीशु स्लीपर नहीं हुआ, वरन वह बस बेहोश हुआ था और फिर उसे कब्र में रख दिया गया, और कब्र से खुदा ने उसे अपने पास बुलाया. और ये पॉइंट कुरान के साथ कोइंसाइड करता है जो कहता है कि निश्चय ही वह इस मामले में संदेह में थे कि उन्होंने ईसा अलैहि सलाम को कत्ल कर दिया है. और आखिर में यह खुदा की सामर्थ से बाहर नहीं है कि वह अंजीलों को संभाल ना सके और मसीही विश्वास को सिर्फ एक सच्चे खुदा पर बनाकर ना रख सके. लेकिन कई बार खुदा आज्ञा देता है, वह आज्ञा दे देता है कि जैसे इतिहास में चीजें चल रही हैं वैसे चलते रहें, और फिर अपने वक्त में वह उन्हें सही करता है. और अब उसने सही कर दिया है हमें आखिरी प्रकाशन यानी कुरान देकर, जिसे मुस्लिम और मसीहों को मानना चाहिए.